kindly like, share and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon. Hello everyone, welcome to EDUNOM MEDIA. I'm Lambodar. As you know, EDUNOM ने काफी स्टूडेंट चाइना के लिए MBBS admissions के लिए स्टूडेंट्स को भेजा है. इसके लिए आज जो है एक स्टूडेंट है प्रिंस, उनका फादर इज विथ अस, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. EDUNOM ने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक उनका एडमिशन लेटर से लेकर वीजा इन्विटेशन लेटर, वीजा फॉर एयर टिकट चाइना के लिए क्या क्या हेल्प किया, एवरीथिंग. उनका फादर दीपक कुमार जी जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे EDUNOM के साथ चाइना एडमिशन के लिए कैसा रहा. दीपक कुमार जी, आप थोड़ा बताइए, जो प्रिंस का जो एडमिशन हुआ स्टार्टिंग से लगे एंडिंग तक EDUNOM ने क्या क्या आपको सर्विस दिया, प्लस आपके बारे में थोड़ा बताइए पहले, उसके बाद क्या क्या सर्विस दी. हाई एवरी वन, आई एम दीपक फ्रॉम बिहार, इंडिया. सबसे पहले तो थैंक्स बोलना चाहूँगा EDUNOM मीडिया का, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा. मैं इंडिया में नहीं था एक्चुअली, तो मैं बहुत परेशान था कि बच्चे को लेकर के एडमिशन कराना है, किनके पास जाऊँ, क्या करूँ ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. तो मैंने EDUNOM मीडिया को देखा यूट्यूब पे, फिर मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया. कॉन्टेक्ट करने के बाद में ये संजोग से मेरा ही फ्रेंड निकले, फिर मैंने कॉन्टेक्ट किया, मैंने बताया कि हमें बच्चे का एडमिशन चाहिए चाइना में. फिर उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया बेहिचक. अभी तक में शुरू से अंत तक सब कुछ इन्होंने ही किया, तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं, कोई घबराहट सी नहीं, कुछ भी नहीं है. तो मैं सब स्टूडेंट या पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि बेहिचक, क्योंकि मैं तो किन्हीं को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं EDUNOM मीडिया को 2007 से ही जान रहा हूँ, और मैं YouTube के थ्रू से इनको जाना, तो बहुत खुशी हो रही है. कल हमारे बच्चे चाइना के लिए फुजियन यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो थैंक्स बोलूँगा कि बहुत इन्होंने सपोर्ट किया और दिल से. थैंक यू दीपक जी. जो EDUNOM ने अभी आज तक जो कमिट किया टाइमली एडमिशन लेटर लेकर या वीज़ा इन्विटेशन लेटर या वीज़ा एयर टिकट, सब कुछ आपको टाइमली मिल गया था? जी जी बिल्कुल, कोई बता रहा हूँ मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुआ. जो इन्होंने बोला क्या होना था, सारा प्रोसेस एडमिशन से लेके सारा जाने आने का जो भी प्रोसेस है, सारे इन्होंने ही हेल्प किया, इन्होंने गाइड किया, और इन्हीं के अनुसार से अभी तक मैं कर रहा हूँ, यही बोलूँगा. ग्रेट. जैसे आप सऊदी अरब में थे एंड ऑल, जैसे आप छुट्टी में इंडिया आए हैं अभी, जी, तो आपका जो टेंशन पहले था, आई होप अभी थोड़ा रिलैक्स महसूस किए होंगे. सबसे पहले तो ये बता दूँ, अभी नहीं, जब से बात हुई आपसे उसके बाद में जब आपने बता दिया कि हाँ मैं एडमिशन कराता हूँ, तब से ही मैं रिलैक्स में हूँ. मतलब इससे पहले क्या बताऊँ, हर पेरेंट्स या हर स्टूडेंट्स को बाहर जाने के बाद में कितना सोचना पड़ता है, कितना टेंशन होता है, मेरे से शायद मेरे से बेहतर तो कोई नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा. तो मुझे जब से लंबोदर जी से कॉन्टेक्ट हुआ है तो कोई टेंशन ही नहीं रहा है, मैं तो बेहिचक. और आँख मूंद के मैं हर पेरेंट्स और गार्जियन को बोलूँगा कि EDUNOM मीडिया के थ्रू से आप एडमिशन कराएं, ये जेन्यून है, और जहाँ चाहें आपका दिल जहाँ करे एडमिशन कराएं. 100% की गारंटी मैं लेता हूँ, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ, जो भी पेरेंट्स हो या गार्जियन हो, नो एनी डाउट, आपको अगर बाहर में जाके एडमिशन कराना है, बेहिचक होकर EDUNOM मीडिया में आए, ये फुल सपोर्ट करेंगे आपको, वहाँ तक पहुँचाएंगे, एक डॉक्टर का जो लक्ष्य है आपको ये सफल बनाएंगे, यही बोलूँगा. थैंक यू दीपक जी. जैसे आप बिहार से हैं, सऊदी अरब में अभी रह रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में, जैसे ऑल ओवर इंडिया या फॉरेन में जो भी आपको कोई गार्डियन या कोई स्टूडेंट्स आपको अप्रोच करते हैं मेरे को MBBS एडमिशन लेना है फॉरेन कंट्री में, क्या आप EDUNOM मीडिया को रिकमेंड करना चाहेंगे उनके सामने? जी बेशक, मैं तो बोला कि जब से मैं आपको जान गया, तब से ही बहुत सारे हमारे कॉन्टेक्ट में डॉक्टर हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बस वो वेट कर रहे हैं कि आपके बच्चे चले जाएं, मैं पीछे से भेजूं. तो 100% बोलूँगा कि मैं EDUNOM मीडिया को बोलूँगा कि आप आएँ और इनके थ्रू से आप जाएँ. थैंक यू दीपक जी. जैसे अभी तक हमने जो जो कमिट किया हमने अभी तक पूरा किया है, आगे भी 5 साल तक चाइना में बच्चा प्रिंस पढ़ाई करेगा,
कोई भी सपोर्ट चाहिए, टल लाइफ को लेकर हो या पढ़ाई को लेकर हो या कोई एजुकेशन एनवायरनमेंट को लेकर हो, कुछ भी चाहिए, वी कैन डेफिनेटली हेल्प इट आउट नेक्स्ट 5 ईयर. ये मेरा प्रोमिस है आपके सामने. थैंक यू लंबोदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मैं ये एहसानों को तो नहीं कभी भूल पाऊंगा, चूंकि मैं यहाँ नहीं था, सऊदी में था. तो ना रहते हुए भी आपने मुझे इतने सरल और सही जगह पे पहुंचा दिया, तो मैं तो जिंदगी भर आपका एहसान मंद हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू आपका बड़ापन है, मैं हमेशा बोलूंगा. बहुत बहुत खुशी हो रही है और बहुत ही दिल से आपको शुक्रिया अदा करूंगा. थैंक यू दीपक जी. थैंक यू. वेलकम. Kindly like, share and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon.